नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, और आपने देखा कि बाजार में एक बड़ी तेजी आई है, तो क्या यहाँ से जो तेजी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। साथ साथ आज का मैं अपना PNL भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कल जो मुझे 35,000 के आसपास का नुकसान हो रहा था, निफ्टी की कॉल जो मैंने बाय करी थी और जो बैंक निफ्टी मैंने बाय करे थे, आज वो दोस्तों नुकसान कवर होके 33,000 का प्रॉफिट है। उसके बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी आपको आज की वीडियो में देना चाहूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे लेवल्स बताने वाला हूं जिससे आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काफी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे वो है निफ्टी की, और आपको पता है कि निफ्टी ऑलरेडी मेरी कल से बाइंग पोजीशन होल्ड है। रीजन उसका क्या है वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, बट आज मैं कुछ अलग तरीके से आपके साथ प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो यहां पे मैं डायरेक्टली वन डे का चार्ट आपके सामने यहां लगाना चाहता हूं। इस एरिया को मैं थोड़ा सा रीसेट कर देता हूं, आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, यहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले भी कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बहुत तरीके से समझाया था कि जब भी लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है तो बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया था, और निफ्टी का पुराना कल की वीडियो में तो पुराना डेटा भी देखकर आपको बता दिया था कि बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, और आज वैसे ही हुआ। क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो एग्जैक्टली आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी का ये मैंने डेली चार्ट लगाया है, और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन खींची हुई है ये बेसिकली निफ्टी का रेजिस्टेंस है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ये 19,000 मान लो 20,000 के आसपास रेजिस्टेंस मान के चलिए, जो कि निफ्टी का बनता है, वैसे बनता है 19,990 के आसपास का, बट हम 20,000 लेके चलते हैं। 20,000 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है, और 20,000 के ऊपर मार्केट में एक बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है। रीजन उसका क्या है वो ये है कि कभी भी अगर आप देखते हैं कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है जो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहला जो हाई बना था वो अगस्त के आसपास बना था, अगस्त से पहले बना था, जुलाई के आसपास, जुलाई लास्ट में हाई देखने को मिला था। फिर अब जो हाई बना है दोस्तों वो बना है सेप्टेम्बर में, तो कुछ 1.5 से 2 महीने का टाइम बेसिकली इसमें लग चुका है, 2 महीने आप मान के चलो। अब 2 महीने की रेंज जो है दोस्तों वो ऐसा नहीं है कि एकदम से ब्रेक होने के बाद बाजार में तेजी आएगी, बाजार कई बार इस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा 20,000 के लेवल पे। और आज भी आपने देखा कि बाजार जब खुला था, आज जो फ्लैट ओपन हुआ था, और उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, वहां से सबको लगा कि अब ये 20,000 के नीचे चल रहा है, एक बार गिरावट जरूर रहेगी। और आपको हमने कल की वीडियो में बोला था, और अपने आज टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने मैसेज करा था कि भाई मेरी जो बाई की पोजीशन है मैं होल्ड करूँ। रीजन उसका क्या है कि भाई डेली मार्केट देखने का कोई फायदा नहीं है, बाजार में पोजीशन बनाओ, होल्ड करो, पैसा तभी बनेगा, डेली छेड़छाड़ करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आज मैंने कुछ करा ही नहीं था, मेरी जो कल की पोजीशन थी उसको ही मैं होल्ड कर रहा था। अब मैं देखा जैसे ही बाजार ने लो बनाया, एग्जैक्टली आज का जो लो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो लो देखने को मिला है वो बना था 19,944 के आसपास, ऑलमोस्ट कल का लो ब्रेक करने ही वाला था। और उसके बाद जैसे ही 20,000 के ऊपर गया तो वहाँ से अभी जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो 20,070 के आसपास दिखा रहा है, 20,070 की क्लोजिंग है, 96 के आसपास का हाई बनाया है, ऑलमोस्ट हाई पे ही इसने क्लोज कराया है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रजिस्टेंस ब्रेक हुआ है इसको देखेंगे तो रजिस्टेंस के बाद बाजार ऊपर गया, फिर नीचे आया, और दूसरे टाइम पे इसने क्या है ब्रेकआउट कराया। अगर आप इसे अवर्ली चार्ट पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बट यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो 20,000 का जो लेवल है, अगर आप बाइंग करते भी हैं या फिर बाइंग आपकी पोजीशन है, तो 20,000 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन बनता है, 20,000 का स्टॉप लॉस बनता है 70 पॉइंट्स नीचे का। और अगर यहाँ से बाजार सस्टेन होता है तो यहाँ से बाजार जो है वो 20,300-500 के आसपास की रेंज बना सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो बाजार अभी रेजिस्टेंस पे चल रहा है। दूसरा जो कल गिरावट आई थी उसका कारण क्या था कि कोटक ने बोला था कि बाजार ओवरबॉट है, इस वजह से थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। और कहीं से मेरे को अभी पता चला है कि किसी कल किसी बेसिकली फंड ने अपने पोजीशंस को शॉर्ट करा था, सारी पोजीशंस उन्होंने बुक करी थी, सारे स्टॉक्स उन्होंने शॉर्ट्स कर दिए थे, कोई रीजन था, उस वजह से बाजार में फॉल देखने को मिला था। बट आज रिकवरी के चांसेस पूरे लग रहे थे, और वो रिकवरी आगे भी मुझे लग रहा है जारी रहेगी, मतलब वो जो तेजी है वो आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि बाजार अभी जो है अगर हम निफ्टी की बात करें वो 20,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहां से मुझे लग रहा है कि 20,300 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। अगर इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा और अवर्ली चार्ट पे आपको समझाना चाहूं तो यहां पे अवर्ली चार्ट में आपको दिखा देता हूं,
जिससे आपको समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक बड़ी रेंज है, अगर आप देखेंगे ये एक बड़ी रेंज है, और उसके बाद मार्केट में हाई बना, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस के नीचे जाने के बाद इसमें ब्रेकआउट मिला, इस वजह से भी इसमें तेजी देखने को आपको मिली है। तो एटलीस्ट लग रहा है कि कल के दिन भी मुझे लग रहा है कि तेजी देखने को मिल सकती है, बट अभी भी मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि 20,000 का जो लेवल है उसको मेंटेन लेके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई अब कहने को तो दोस्तों डबल टॉप भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डबल टॉप नहीं है, डबल टॉप भी है, हो सकता है कि आपको फॉल भी देखने को मिल जाए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कि बाजार में बेरिश कैंडल बने और यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिल जाए, क्योंकि डबल टॉप है, मैं मानता हूँ डबल टॉप है, बट डबल टॉप की कंफर्मेशन कब आएगी, वो आएगी जब जो निफ्टी है, क्योंकि देखो दोनों साइड लेके चलेंगे, ऐसा नहीं आग बंद करके हम बाइंग ही बाइंग करेंगे, बट हमें ये भी पता होगा कि 20,000 का हमें स्टॉप लॉस या 19,970 के आसपास का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, क्योंकि उसके नीचे फॉल भी देखने को मिल सकता है, मैं कह सकता हूँ कि फॉल भी देखने को मिलेगा, बट जब तक ये 20,000 के ऊपर है तो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने अपनी पोजीशन होल्ड बना रखी है, मैंने आज प्रॉफिट बुक नहीं करा, कल जो भी हो कल की कल देखेंगे, वो एक अलग चीज़ है, और अगर बाजार 20,000 के ऊपर ही रहता है तो फिर ये 20,300 के आसपास ही जा सकता है। डबल टॉप के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा कि काफ़ी लोग ये पूछे थे भाई डबल टॉप भी है, तो डबल टॉप के लिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे MACD आपको दिखाना चाहूंगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों कोर्स का पार्ट है, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखेंगे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस एरिया को थोड़ा सा दो मैंने लगा दिए, एक हटा देता हूँ यहाँ से MACD। अब आपको ना कुछ और थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे कि डबल टॉप बेसिकली जब होता है तो डाइवर्जेंस हम देखते हैं, बट यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे। अब ये अगर देखोगे तो यहाँ पे डबल टॉप है, डबल टॉप के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि कन्वर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, डाइवर्जेंस तो है ही नहीं। अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे कहीं से भी कोई कन्वर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे। ये जो बार है अगर आप देखेंगे, ये जो पहले हाई बना था 19,000, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जगह सिर्फ चार्ट एनालिसिस चैनल पे ही दिखाई देगी और किसी चैनल पे कोई इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएगा, लाइनें खींचने से कुछ नहीं होता, प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, मान लो कि पहले 20,000 का हाई बना था, 90,093 के आसपास का मान के चलो 20,000 का हाई है, तो उस टाइम बार्स आप देख लो कहाँ पे थे, राइट। अब देख लेना ध्यान से, बाजार में फॉल देखने को मिला, बार्स नीचे आए, और इसके बाद अभी जो 20,000 का लेवल ब्रेक हुआ है तो ये जो बार्स है लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इस बार से ऊपर है, इसका मतलब ये है कि बाजार में कहीं से भी कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। वीकली चार्ट भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों इसके साथ साथ, थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस कर रहा हूं मैं, जो नए लोग हैं उनको थोड़ी सी हो सकता है शायद मुश्किलात हो उन्हें समझना है कि डाइवर्जेंस वगैरह क्या है, इसके लिए हमारा कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इस एरिया को, वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी कहीं से भी कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, लगातार कन्वर्जेंस ही बाजार में बनते जा रहे हैं। अगर बार्स भी देखेंगे मूविंग, अगर आप MACD की जो लाइंस देखेंगे, SMA EMA देखेंगे तो वो भी लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो भाई मेरे को तो कहीं से भी गिरावट नहीं दिख रही, बट फिर भी भाई कुछ नहीं, भरोसा ना बाजार है यार, कुछ भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि जो हमें लग रहा है वही होगा, बट फिर भी भाई एक SL है हमारे पास, हम SL लेके चल रहे भी 19,970, जाएगा कटेगा तो भाई हाथ जोड़ के कटवा लेंगे, लॉस बुक कर लेंगे, और ऊपर चल रहा है तो भाई चलने दो चलता रहेगा, और अगर चल गया इस बार, अगर 300-400 पॉइंट की तेजी आ गई, और सच कह रहा हूँ दोस्तों इस बार मैं काट लेने वाला पोजिशन, आप भी देख लेना, तो भाई अच्छा खासा पैसा बनेगा फिर, और क्वांटिटी भी भाई 1,000 है। मैं दिखा देता हूँ पहले PNL दिखा देता हूँ अपना, ये देखो कल की पोजीशन अभी तक होल्ड है मेरे पास, आप देख लो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये मेरे पास निफ्टी की कॉल है और बैंक निफ्टी की कॉल मैंने ले रखी है, और कल मुझे आपको बताऊंगा 27,000 के आसपास का, 28,000 के आसपास बैंक निफ्टी में लॉस हो रहा था, क्योंकि 1,000 क्वांटिटी है मेरे पास, आप देख लोगे 1,000 है, और बैंक निफ्टी में 105 क्वांटिटी, आप बोलोगे 105 क्यों, क्योंकि भाई इतना मार्जिन नहीं था मेरे पास, और काफ़ी लोग बोलेंगे भाई 70,000 की सीरीज थी, आप इतने ट्रेड इतने फंड से काम कैसे कर रहे हैं, या वो मैंने थोड़ा सा फंड ऐड कर दिया था, क्योंकि छोटे फंड में मज़ा नहीं आ रहा था काम करने की, आदत पड़ गई थी ना बड़े फंड से काम करने की, वो 1,00,000 रुपये का फंड ऐड कर दिया था, बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। तो कल बेसिकली क्या था कि मेरी जो एवरेज प्राइस था 160 था, तो कल 132 के आसपास बंद हुआ था, तो आज उसकी जो LTP है यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 180 के आसपास है, तो उसमें मुझे 20,000 के आसपास का प्रॉफिट है, और 13,000 के आसपास का प्रॉफिट मेरे को बैंक निफ्टी में मिल रहा है। भाई 105 ही क्वांटिटी है, पहले मेरे पास 300-400 क्वांटिटी होती थी तब होती, तो दोस्तों आज इसमें प्रॉफिट जो है वो 60-70,000 के आसपास का आता, बट चलो खैर कोई बात नहीं, चलता है इतना कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेजी आई है, निफ्टी में कमाई है, बाकी आप को अगर PNL वगैरह देख रहे हैं तो उसकी डिटेल भी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PNL भेज दूँ, बट आज तो मैंने ट्रेड करा ही नहीं, पुरानी पोजीशंस हैं, मैं आपको ना फिर भी दिखाई देता हूँ यार, अकाउंट ये अपना
बीटा वर्जन यूज कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, मैं दूसरा वर्जन में आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली, मैं पूरा दिखाऊंगा कि मेरी पोजीशंस क्या है। माय अकाउंट पे गया मैं, मेरे को अपना पीएनएल वगैरह दिखाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर हम काम कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ सारी चीज़ें देखो, मेरा ट्रेड्स वगैरह वेरीफाइड पीएनएल पे जाते हैं तो वेरीफाइड पीएनएल आप देखेंगे तो 33,000 के आसपास का प्रॉफिट है, 33,654 का। और इसका ना मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका जो लिंक है शेयर पीएनएल लिंक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर चलो चलते हैं अब दूसरी जगह पे, और ये होगी जो अपनी निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आपके साथ पेश, आपके सामने पेश करना चाहूँगा। भाई बैंक निफ्टी ने आज जो धमाल मचा दिया, रीजन उसका क्या था वो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं थोड़ा सा मिनिमम यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, मैक्सिमाइज कर देते हैं इस एरिया को मैं, और यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे लगातार बैंक निफ्टी में एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और मेरे पास आपको पता है कि बैंक निफ्टी की भी पोजीशन है। रीज़न उसका क्या दोस्तों, वो ये है कि अगर आप देखेंगे मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, और कल मैं इसी की एनालिसिस कर रहा था और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे, हालांकि बेरिश एनएमी पैटर्न बना हुआ है टॉप पे, बट उसके बावजूद भी देखेंगे कि जब भी, मैंने कल भी बताया था कि भाई एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गया फिर उसके नीचे गया, और जब भी ब्रेकआउट आता है तो उसमें एक बड़ी तेजी आती है और हो सकता है शायद ये हाई ब्रेक कर दे, और जल्दी लग रहा है 46,300 के आसपास, 400 के आसपास बैंक निफ्टी भी जा सकता है। ये वीकली चार्ट है, थोड़ा सा डेली चार्ट की तरफ जाते हैं, नज़र मारते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों कहीं से भी कोई भी मंदी दिखाई नहीं दे रही है। लग रहा है कि भाई जो पुराना हाई था जो यहाँ पे बना था 46,370 का, वहाँ तक मुझे लग रहा है कि जा सकता है, और तेजी बहुत अच्छी देखने को मिली है। और अगर देखेंगे तो कन्वर्जेंस कहीं से भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे, कन्वर्जेंस ही दिखाई दे रहे हैं। बाजार लगातार तेजी दिखा रहा है और मुझे लग रहा है कि तेजी आगे भी बरकरार रहेगी, क्योंकि देखो अगर आप सेल करते भी हैं, अगर आपको आप देखो एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, और काफ़ी लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई कि अगेंस्ट में भी खेले बैंक निफ्टी के, भाई बाजार बढ़ गया पुटे खरीद लेते हैं जीरो टू जीरो कर लेंगे, बट ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो देखो यार एक्सपायरी मेरे ख्याल से ना आपके एनालिसिस के बीच में नहीं आनी चाहिए, अगर लगता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहो, ये मैं सोचो एक्सपायरी है कल काट दे तो पोजीशन आप, भाई कुछ नहीं फर्क पड़ता ठीक है। आप अगर आप एक ट्रेंड में चल रहे हो ना, आप एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहे हो, चाहे बाजार फॉल हो रहा हो बाजार गिर रहा हो, बट वो उसके भी ट्रेंड में अगर आप हो, अगर आपने वहाँ पे भी सेल पोजीशन बना रखी है तो भी आप कमा सकते हो, बट ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के साथ चलो। अभी भी बोल रहा हूँ 16,800 से बाजार जब 19,000 गया था ना भाई, तो उस टाइम अगर आपने पोजीशन बनाई होती आपको लग रहा था 17,000 से 19,000 जाएगा, नहीं लग रहा था ना, गया ना, लगातार तेजी आई ना बाजार में, तो भाई ये भी तेजी देखने को मिल सकती है। मैं इसकी भी एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, एक मैंने ना एक वीडियो बनानी है सैटरडे को कि प्रॉफिट राइड करने के लिए कौन से टूल्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं जब भी एक बड़ा ब्रेकआउट हो डेली चार्ट पे वीकली चार्ट पे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ सैटरडे को। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे भर दो कमेंट, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं चाहूँगा आप सबका कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स पे आना चाहिए, जिससे मैं सैटरडे को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊँ। जैसे कि इस बार आप देख रहे हैं कि निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, बट मन होता है ना यार कि बुक कर लूँ नहीं कर लूँ, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस में करना पड़ रहा है, बट एक स्ट्रेटेजी बताऊँगा, एक ऐसा टूल बताऊँगा, एक ऐसा इंडिकेटर बताऊँगा जिसको लगा के आप क्या कर सकते हो, आप राइड कर सकते हो आराम से बैठो और बाजार आपके फेवर में चल रहा है और आराम से पैसा कमाते रहो। सबसे बड़ी गलती पता है क्या हमारी, और शायद मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अनोखा हूँ, मेरे को भी नुकसान होते हैं, बट मेरा भी भाई मतलब हमारे अंदर भी अगर आप देखोगे तो इमोशंस हैं, और कई बार ना बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं या फिर प्रॉफिट हो रहा था बुक कर लेते हैं, फिर बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है वो, ऐसा मैंने भी देखा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी प्रॉफिट नहीं बुक करता मैं, बट कई बार जब मैं करता हूँ लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है मैं कर लेता हूँ, तो हमेशा बाजार में फिर देखने को मिलता है कि बड़ी रैली देखने को मिली और जितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था उससे कम ही प्रॉफिट हुआ है, ऐसा अब मेरे साथ कई बार हुआ है। बट इसके अलावा मैंने अभी मैं जो टूल ऐड कर यूज़ कर रहा हूँ वही टूल मैं आपको बताऊँगा सैटरडे वाली वीडियो में, जिसका आप यूज़ करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना हमारा। तो दोस्तों ये हमारा चार्ट एनालिसिस चैनल है, चार्ट एनालिसिस में दोस्तों आपको बहुत सारे हमारे जो हमारी रिसर्च होती है वो रिसर्च आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, साथ साथ मेरा खुद का जो ट्रेड होता है वो यहाँ मैं पोस्ट कर देता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि यहाँ पे
कि अगर आप सीखना चाहें तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है ये, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स हमारा टेक्निकल एनालिसिस का, ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 रुपये का, जिसमें 28 वीडियोज़ हैं, और 10 आवर्स का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम जोन का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाई जाती है, पर्सनल टेलीग्राम चैनल, और जो भी कोई डाउट है, जो भी क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, जिस तरीके से मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूं, जो MACDs मैं बता रहा था आपको, साथ साथ कुछ मैंने आपको कुछ बहुत सारे अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज हैं, पैटर्न्स हैं, सबके बारे में मैंने इस कोर्स में बताया हुआ है। 8,000 का कोर्स है, ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल रहा होगा ऐप का, उसके थ्रू कर सकते हैं, और नीचे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ ऑप्शन का और ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो बाज़ार जो है वो मुझे पॉजिटिव क्यों लग रहा है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। निफ्टी का एनालिसिस करिए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करिए, बाज़ार में मेरी पोजीशंस जो है वो बता दी है, साथ साथ और भी जो चीज़ें होंगी, जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो मैं कल अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। हमारी एनालिसिस के लिए हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।